में देखने वाले स्टैटिक जीके की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम नदियों के वे उनके प्राचीन नाम, जो कुछ नदियां हैं उनके प्राचीन नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो जितने भी हैं उसमें मैंने कवर कर दिया, आप इन्हें एक बार देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। चलते देखें सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे पंपा। नेक्स्ट है बनास नदी का प्राचीन नाम, तो आप बताएंगे बनकियासा। बनास नदी का पुराना नाम क्या था, वनकियासा। नेक्स्ट व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे विपासा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये काफ़ी बार पूछा भी गया, व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे आंसर विपासा हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी का वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे कोसकी। कोसी नदी को किस नदी से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कोसकी के नाम से। कोसी नदी कहाँ पे बहती है, बिहार में, और कोसी को क्या कहा जाता है, बंगाल का सॉरी बिहार का शोक। पूछेगा बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट है घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, करनाली। किस नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को, तो आप आंसर बताएंगे करनाली हो जाएगा। नेक्स्ट है रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो बताएंगे पुरुषणी या फिर इरावती। किस नाम से जाना जाता है, पुरुषणी या फिर इरावती। नेक्स्ट चलते हैं गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सदानीरा। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सदानीरा के नाम से जाना जाता था। घाघरा नदी देखें, वो तो ऊपर है, घाघरा ही है। घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे दर्शती। वो घाघरा या घग्गर जो होती है नदी, तो आप बताएंगे दर्शती के नाम से। नेक्स्ट है इंडस नदी को वैदिक काल में किस नदी के नाम से जाना जाता, सिंधु या फिर सिंगी। इंडस नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे सिंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चम्रावती राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है, तो आप बताएंगे चंबल के नाम से। चम्रावती किस नाम से जानी जाती है, तो आप बताएंगे चंबल के नाम से। चंबल नदी कहाँ पे बहती है, ज़्यादातर मोस्टली राजस्थान में बहती है, और इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चोरों व लुटोरों की घाटी भी कहा जाता है। किसको, चंबल नदी को ही कहा जाता। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपसे पूछा जाएगा प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से होकर कई दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है, तो आप बताएंगे कावेरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें ऋग्वेद में अधिकांश सभ्यताएँ किस नदी के पास बहती थी, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी के पास में बहती थी। नेक्स्ट महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोपताल किस में कहा गया, तो आप बताएंगे वायुप्राण में। महानदी का प्राचीन नाम एक नीलोत्पानपाल, तो किसमें कहा गया, तो आप बताएंगे वायुप्राण में कहा गया। नेक्स्ट प्राचीन में भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप बताएंगे सरस्वती। गंगा का नाम आता और उनसे भी प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन पूछने लगे सरस्वती। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये देखें क्या पूछे, इंपॉर्टेंट है ये भी पूछेगा, रावी नदी का ऋग्वेदिक काल में क्या नाम है, तो आप बताएंगे पुरुषणी। राविक नदी का ऋग्वेदिक काल में क्या नाम है, तो आंसर बताएंगे पुरुषणी। नेक्स्ट है इंडिया नाम किस नदी से लिया गया, तो आप बताएंगे इंडस से। जो ये हमारा इंडिया नाम लिया गया, तो आप बताएंगे इंडस से लिया गया। नेक्स्ट चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता, तो आप याद रखेंगे अस्कनी। चिनाब नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे आंसर हो जाएगा अस्कनी। किस नाम से जाना जाता, अस्कनी के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट झेलम नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता, पूछा जाएगा झेलम नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा वितस्ता। किस नाम से जाना जाता है, वितस्ता। आपसे पूछा जाएगा झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर बताएंगे वितस्ता के नाम से जाना जाता। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट सतलज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सतुद्री। सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे सतुद्री के नाम से जाना जाता है। किसको, सतलज। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट काबुल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कुंभा। किस नाम से जाना जाता, तो नाम याद रखेंगे कुंभा के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट है सोहन नदी को किस वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता, सोहन नदी को आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे सुसोमा। किसके नाम से जाना जाता, सुसोमा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को, तो बताएंगे सोहन नदी को। नेक्स्ट है यमुना नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता, तो यमुना का पुराना नाम था कलंदी। यमुना को क्या कहते थे, तो आप बताएंगे कलंदी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है एक और कि लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो लूनी नदी को जाता था लवननी के नाम से। लवनी के नाम से जाना जाता है। किसको, लूनी नदी को।